रविंदर, आप देख रहे हैं सिटी होम न्यूज। जी हाँ दोस्तों, दिन की शुरुआत पॉजिटिव थॉट के साथ। हमें जिंदगी में हर कदम पर, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए। कुदरत के इस नियम को हमें हमेशा ही मन में संजो के रखना चाहिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक राजा था और एक उसका सेनापति। सेनापति बहुत ही पॉजिटिव माइंड का इंसान था। उसको हर बात पर बढ़िया है बोलने की आदत थी। एक दिन राजा तलवार अभ्यास कर रहा था और तलवार के गिरने से उसके पैर का अंगूठा कट जाता है। सेनापति पास ही खड़ा होता है और बोलता है, बढ़िया है। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इसको जेल में डाल दिया जाए। जब सिपाही उसको जेल में लेकर जाने लगते हैं, तभी भी वो सेनापति बोलता है, बढ़िया है। राजा सोचता है, कितना पागल है, जेल जाते वक्त भी बोल रहा है, बढ़िया है। कुछ दिन के बाद वो राजा जंगल में शिकार खेलने जाता है। तभी राजा को जंगल में कुछ आदिवासी मिल जाते हैं, जो राजा को पकड़कर अपने गांव ले जाते हैं कि हम इसकी बलि देंगे। जब वो राजा की बलि देने लगते हैं, तभी एक आदि मानस बीच में से बोलता है कि इसका पैर का एक अंगूठा कटा हुआ है। अपूर्ण बलि देने से देवी रुष्ट हो सकती है। उसी वक्त वो राजा को छोड़ देते हैं। तभी राजा महल में आकर सिपाहियों को हुक्म देता है कि सेनापति को जेल से बाहर निकाला जाए। मेरे को समझ आ गया कि उसने बढ़िया है क्यों बोला था। जब सेनापति जेल से बाहर आता है तो राजा उससे पूछता है, ये तो ठीक हुआ, मेरे पैर का अंगूठा कटा तो आज मेरी गर्दन कटने से बच गई, पर जब मैंने तुमको जेल में डालने का हुक्म दिया तभी भी तुमने कहा कि बढ़िया है, मैं ये नहीं समझा। तभी सेनापति बोला, मैं आपका दोस्त हूँ, अगर आप जंगल में जाते तो मैं भी आपके साथ जंगल में जाता। आप तो अपूर्ण होकर बलि से बच जाते, पर गर्दन मेरी कट जाती। अच्छा हुआ कि मैं जेल में ही था। दोस्तों, इसी तरह हमारी जिंदगी है। एक कहावत है कि आधा गिलास खाली या आधा गिलास भरा। जी हाँ दोस्तों, कईयों को गिलास आधा खाली लगता है, पर वही गिलास कई लोगों को भरा हुआ दिखता है। सिचुएशन कैसी भी हो, ये हम पर होता है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। कोई भी सिचुएशन बुरी नहीं होती। कुदरत का एक ही नियम है, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।